ये भाई इनका नाम अमित है और ये फैमिली पनवेल से आई हुई है। और इनकी जो मम्मी है वो बता रही कि 3 साल से इनका बेटा हमेशा आत्महत्या का कोशिश करता था, हमेशा मरने के लिए जाता था कि मुझे जीना नहीं है, मुझे सुसाइड करना है। और उसके दिमाग में शैतान ने सुसाइड का उस पॉइंट को इस तरह से अंदर तक डाल दिया था कि जब भी उसको मौका मिलता था वो कोई भी कोशिश को नहीं छोड़ता था। उसके बाद में कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के परिवार की ओर से इनको सुसमाचार सुनाया गया और सायदा बहन ने इनको बताया कि हमारे चर्च में चलो, और ये लोग यहाँ पे आए। और पास्टर जी ने जब उस दिन प्रार्थना किया, ये बता रहे कि उसके ऊपर जो मौत का साया था उस बंधन को परमेश्वर ने तोड़ा और हर एक मौत की छाप को खुदा ने दूर किया, और वो बच्चा अभी अपने सेंस में रहता है और पूरे होशो आवास में चलता है, और वो समझ रहा है कि मैं गलत था और परमेश्वर ने मुझे बदला है। और परमेश्वर के नाम की ओ माँ और उनका बेटा दोनों बड़ाई कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके बेटे को एक नया जीवन दिया। तो सारी महिमा आदर परमेश्वर को। बस सच है, आत्महत्या करने की कोशिश करता था। आत्महत्या करता था वो, दूसरा माँ से ना हम चंबू रहते ना, दूसरा माँ से आत्महत्या करता। हम लोग ने उधर गया देखा, हॉस्पिटल लेके गया, वो दवाखाने में लेके गए तो डॉक्टर बोला उसको कुछ बिल्कुल लगा अभी ठीक है, थोड़ी दवाई दिया वो उधर का आराम नहीं मिला। मैं उधर आई चेयर्स में, वो ये क्या बोलता कटके साहेब है ना, वो बोन बोले चेयर्स में चलो। हाँ। वो शहर ताई पन बोले चलो, वो छाया ताई है ना वो पन बोले, लक्ष्मी ताई वो पन बोले चेयर्स में चलो अभी ठीक होएगा, अभी ठीक है। तो ये 3 साल से ऐसा होता था कि वो नहीं, 5 साल हो गए, 5 साल से ये आत्महत्या की कोशिश करता था। तभी मैं इधर आई ना, तभी मेरे को बोले चलो चेयर्स में अभी ठीक है। और यहाँ पर प्रार्थना हुआ, उसके बाद क्या हुआ? वो फादर ने आशीर्वाद दिया, प्रार्थना किया। हाँ। अभी आया है। दो दो कितना 2-3 महीने हो गए अभी आया। तो अभी बिल्कुल ठीक है, दो आया। अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी सब बिल्कुल ठीक हो। धन्यवाद, वाह हालेलुया, धन्यवाद करे परमेश्वर को।